सोनीपत के मूरथल में मान ढाबा पर सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। मान ढाबा मूरथल के संचालक की मिली भगत के चलते हुए एलपीजी गैस कैंटर से गैस चोरी कर कमर्शियल गैस सिलेंडरों में भरी जा रही थी। आपको बता दें कि लापरवाही के चलते कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर 104 कमर्शियल सिलेंडर, गैस निकालने वाली दो नोजल, गैस कैंटर समय से एक पिकअप गाड़ी को मौके पर पकड़ा गया है और 5 आरोपियों को भी काबू किया गया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों ने कई खुलासे भी किए हैं। जानकारी के मुताबिक एलपीजी गैस कैंटर लोनी गाजियाबाद से चला था और यह एलपीजी गैस कैंटर लुधियाना में पहुंचना था। बेल्टी के मुताबिक गाड़ी का चालक और संचालक 27 नवंबर को गैस कैंटर को लेकर निकले थे। गैस चोरी करने और लापरवाही के चलते 6 दिन तक लुधियाना में गाड़ी नहीं पहुंच सकी। आपको बता दें कि 5 आरोपियों को मौके पर चोरी करते हुए पकड़ा गया। वहीं मान ढाबा के संचालक देवेंद्र मान का नाम भी सामने आया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। कार्रवाई की गई संयुक्त रूप से और मौके पर क्या कुछ बरामद हुआ? एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी विभाग को और उसमें बताया गया कि भाई जो मान ढाबा है वहाँ पर गैस सिलेंडरों में गैस भरी जा रही है कैंटरों में से निकाल के। तो इस पर एक टीम बनाई गई, संयुक्त टीम बनाई गई जिसमें सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से श्री सुनील कुमार जी और श्री राजेश कुमार जी ये दोनों और खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से नवीन पालीवाल स्वयं मैं और मेरे साथ ही श्री दीपक भारद्वाज निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति उन्होंने साथ मिल के एक ज्वाइंट टीम बना के और मान ढाबा जो है GT रोड मूरथल में है जो वहाँ पर हमने जाके देखा तो वहाँ पर बुरी तरह स्मेल आई हुई थी। गैस का जो रिसाव था वो रिसाव वहाँ पर भयानक बहुत बुरी तरह से आ रहा था। जिसको हमने देखा तो वहाँ पर नोजल के माध्यम से कैंटर में से गैस निकाली जा रही थी और 19 केजी के जो सिलेंडर थे उनमें भरी जा रही थी। तो वहाँ पर मौके पर 5 अभियुक्त हमें मिले हैं जो इस काम में लगे हुए थे, जिसमें 2 तो जो गाड़ी है जो लोनी से निकली थी और जिसको लुधियाना पहुंचना था, एक ड्राइवर उसका और एक सह चालक उसके साथ में था, और जो पिकअप एक गाड़ी और थी पिकअप जिसमें 21 सिलेंडर भरे हुए रखे हुए थे और ज़मीन पर 2 भरे हुए सिलेंडर अलग से थे और 26 सिलेंडर वैसे खाली मात्रा में थे वहाँ पे। तो टोटल 49 सिलेंडर वहाँ पे थे और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है वो जो भी उनका काम करने का तरीका था वो मान ढाबे से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बताया हमारे कुछ सिलेंडर मान ढाबा पे भी रखे हुए हैं। तो पहले वहाँ से हमने उनको जप्त किया और जप्त करके फिर हमने मान ढाबा का निरीक्षण किया तो वहाँ पर भी हमें 55 सिलेंडर खाली वहाँ पे भी बरामद हुए जिनको भरने की तैयारी की जा रही थी। जो मान ढाबे के पीछे बैक साइड में एक खाली प्लाट है जिसको वो सुरक्षित मानते हैं कि भाई यहाँ पे वो अपना काम चला रहे थे, तो वहाँ से मौके से हमने 2 तो नोजल बरामद किए हैं जो कि एक नोजल में 5 नलियाँ लगी हुई हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी उसमें सिलेंडर में गैस भरने का कार्य होता था जो कि बड़ी मात्रा में किया जाता था वहाँ। तो पूछताछ में जो हमें बताया गया जो कमलेश है जो अभियुक्त जो मेन जिसने कहा कि हाँ भाई ये हमारा सारा सामान ये हमारा हमारे सिलेंडर हैं, जिसने बताया कि मान ढाबे का जो मालिक है उसका भी नाम लिया है उसने, देवेंद्र मान का भी नाम इसमें सामने आया है कि भाई इनके साथ में हमारी मिलीभगत चलती थी। पूछताछ में उसने बताया कि जो ये भरे हुए रिफिल थे इनको जो दिल्ली एक राहुल कोई मैनेजर है कृष्णा गैस एजेंसी है कोई सोनिया बिहार दिल्ली में है तो उसका भी नाम सामने आया कि ये जो सिलेंडर थे हम उसको सप्लाई करते थे। और इस तरह से वहाँ पर बुरी तरह एक स्मेल इतनी थी वहाँ पर, अगर थोड़ा सा भी हादसा हो जाए तो वहाँ होटल पे बैठने वाले पर्यटक या जो भी यात्री कहेंगे एक बड़ा हादसा होने की आशंका थी। और पता लगा सर कितने दिनों से ये काम कर रहे थे? पूछताछ में तो उन्होंने बताया कि भाई हम 2 महीने से यहाँ, जो कमलेश ने बताया कि भाई मैं 2 महीने से इस काम में लगा हुआ हूँ, इससे पहले वो उसने बताया कि भाई मैं महाराष्ट्र में काम कर चुका हूँ गैस एजेंसी पे रहता था तो वहाँ से उन्होंने सिलेंडर वगैरह लिए हैं, एक एक 2-2 सिलेंडर करके जमावड़ा किया उन सिलेंडरों का, तो 104 सिलेंडर कुल प्राप्त हुए जिनमें से 81 सिलेंडर जो हैं वो खाली हैं और 23 सिलेंडर जो हैं वो भरे हुए प्राप्त हुए हैं। क्या कुछ कार्रवाई की है अभी? अब जो अभियुक्त मौके पर मिले हैं उनको उनके बयान उनके आधार पर हमने उनके सबके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई है थाना मूरथल में, और सारे इसको जो 104 सिलेंडर हैं उनको और 2 नोजल जो हैं जो मौके से बरामद हुई जो उसमें से कैंटर में से निकालते थे जिसके जरिए वो गैस निकालते थे उसको
जो थाना मुरथल में सुपुर्द करवा दिया गया है, और उन अभियुक्तों के खिलाफ अभी जांच चलेगी, इंक्वायरी होगी, जो जो नाम बताए जाएंगे उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई की गई है, क्या सूचना मिली थी और किस प्रकार की कार्रवाई हुई? ये मान ढाबा पे खाद्य आपूर्ति विभाग और CM फ्लाइंग के जो कर्मचारी थे उन्होंने एक रेड करी थी, जो ये वहाँ पर किसी गैस के टैंकर से मान ढाबा के कर्मचारी और ट्रक ड्राइवर जो मिली भगत करके गैस सिलेंडर चोरी कर रहे थे उसके घर से। क्या कार्रवाई की गई है सर? अब इस पर हमें एक कंप्लेंट मिली है और जो नियमानुसार के अंदर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या इसमें अभी मौके से बरामद हुआ सर? अभी कुछ सिलेंडर वगैरह और गैस टैंकर वगैरह बरामद हुआ है, कुछ नकदी भी उन्होंने बरामद कराई। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।